उद्यमी एवं व्यापारी सम्मेलन रविवार को सिविल लाइन स्थित एक मैरिज हॉल में आयोजित किया गया। सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत किया। व्यापारी बंधुओं ने मुख्यमंत्री का माल्यार्पण कर स्वागत किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं सबसे पहले आप सबका हृदय से साधुवाद व्यक्त करता हूँ कि आप इतनी बड़ी संख्या में आज मेरे लिए समय निकाल कर आए हैं। पहले मैं अलग अलग व्यापारी संगठनों के साथ अलग अलग बैठक कर लेता था, लेकिन व्यस्त होने के कारण अलग अलग बैठक न हो करके एक साथ एक जगह हम लोग बैठ सकें और प्रमुख पदाधिकारी के साथ इस बैठक में एक आह्वान के साथ देश और समाज के बारे में सुन सकें। इस दृष्टि से आज ये बैठक अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप सभी जानते हैं कि पिछले 5 वर्षों के दौरान प्रदेश के अंदर व्यापक परिवर्तन देखने को मिला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लिंकअप गोरखपुर से तो हो गया, लेकिन अखिलेश के कार्यकाल में हुआ टेंडर 15,200 करोड़ से अब कैसे 11,800 करोड़ में हुआ। अखिलेश बताएं कि उत्तर प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई का 3400 करोड़ रुपये किसके जेब में जा रहा था। इस अवसर पर सम्मेलन के संयोजक महापौर सीताराम जायसवाल, बीजेपी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव, व्यापारी कल्याण बोर्ड के प्रदेश उपाध्यक्ष मनीष गुप्ता, पुष्पदंत जैन, व्यापारी कल्याण बोर्ड के सदस्य जवाहर कसौधन, चैंबर ऑफ इंडस्ट्रीज के पूर्व अध्यक्ष एसके अग्रवाल, व्यापारी नेता प्रमोद टेकड़ीवाल, व्यापार मंडल के प्रांतीय मंत्री सत्य प्रकाश श्री पुन्ना, चैंबर ऑफ टेंडर्स के अध्यक्ष रूप कुशा किशोर अग्रवाल, किराना कमेटी के अध्यक्ष उमेश मद्देशिया, हिंदू जवानी के प्रदेश महामंत्री इंजीनियर पी केमल, बैजनाथ जायसवाल, दवा विक्रेता समिति के अध्यक्ष योगेंद्र नाथ दुबे, सर्राफा मंडल के अध्यक्ष पंकज गोयल, थोक व्यापारी संघ के राजेश सहित अन्य प्रतिष्ठित व्यापारी मौजूद रहे। अग्रवाल जी यहां बैठे हैं और जो आंकड़े मेरे कम हो सकते हैं, 36,000 करोड़। मोदी जी के हाथों को मजबूत करें और देश की कल्याण हो। आदित्यनाथ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आदित्यनाथ जिंदाबाद। उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय मनीष गुप्ता जी से दिखाई है कि व्यापारियों ने देश को नेतृत्व के साथ साथ ही देश का मार्गदर्शन भी किया है। कल्याण का बोर्ड है, अपराधी सड़कों पर घूमता नहीं दिखाई देता, और अगर दिखाई देता है तो उसकी जगह जेल में या 6 फीट जमीन के नीचे दिखाई देती है। आज के इस गोरखपुर के उद्यमी और व्यापारी सम्मेलन के संयोजक गोरखपुर के महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, महानगर के अध्यक्ष श्री राहुल श्रीवास्तव जी, व्यापारी कल्याण बोर्ड के प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री मनीष गुप्ता जी, श्री पुष्पदंत जैन जी, व्यापारी कल्याण बोर्ड के सदस्य श्री जवाहर कसौधन जी, चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज के पूर्व अध्यक्ष श्री एस के अग्रवाल जी, वरिष्ठ व्यापारी नेता श्री प्रमोद टेकड़ीवाल जी, प्रांतीय मंत्री उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल श्री सत्य प्रकाश सिंह मुन्ना जी, अध्यक्ष चैम्बर ऑफ ट्रेडर्स श्री अनूप किशोर अग्रवाल जी, किराना कमेटी के अध्यक्ष उमेश मदेसिया जी, इंडिया वाहिनी के प्रदेश के महामंत्री श्री पी के मल जी, बैजनाथ जायसवाल जी, दवा विक्रेता समिति के अध्यक्ष योगेंद्र नाथ दुबे जी, सराफा मंडल के अध्यक्ष पंकज गोयल जी, थोक व्यवसायी संघ के श्री राजेश नेवानी जी, अनिल टिबड़ीवाल जी, श्री
अरविंद सिंह जी, ब्रजेश पाठक जी, भोला प्रसाद अग्रहरी जी, रमेश चंद गुप्त जी और वरिष्ठ उद्योगपति और समाजसेवी श्री ज्योति पंस्करा जी, उपस्थित विभिन्न व्यापारिक संगठनों से जुड़े हुए हमारे सभी पदाधिकारी और उपस्थित भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले आप सबका हृदय से साधुवाद व्यक्त करता हूं कि आप सब इतनी बड़ी संख्या में आज का यह समय मेरे लिए यहां पर निकाल करके आए हैं। मैंने परसों शाम को ही ये इच्छा व्यक्त की थी कि मेरे इच्छा है कि पहले मैं अलग अलग समितियों के साथ बैठक कर लेता था, कभी किराना कमेटी में, कभी तभी बितवा विक्रेता समिति के साथ, अलग 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 चैम्बर इंडस्ट्रीज के साथ अलग होता था, चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज के साथ अलग, ट्रेडर्स के साथ अलग, व्यापार मंडल के साथ अलग, ये अलग अलग बैठकें हमारी होती थी। लेकिन प्रदेश में और देश के अन्य क्षेत्रों में व्यस्तता होने के कारण अलग अलग बैठक न होकर के एक साथ एक जगह हम लोग बैठ सकें और प्रमुख पदाधिकारियों के साथ इस बैठक में एक आह्वान देश और समाज के बारे में कर सकें, इस दृष्टि से आज यह बैठक अत्यंत महत्वपूर्ण है। और मैं इसके लिए गोरखपुर के उद्यमी और व्यापारियों के आप सभी पदाधिकारियों का हृदय से साधुवाद व्यक्त करता हूँ, आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। सज्जनों, आप सब जानते हैं कि पिछले 5 वर्ष के दौरान पूरे देश के अंदर व्यापक परिवर्तन देखने को मिला है और वह परिवर्तन जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में। आज दुनिया के अंदर निवेश का सबसे अच्छा गंतव्य कोई देश है तो वह भारत है। यानी हर तबके का व्यक्ति, हर दुनिया का हर उद्योगपति, हर निवेशक भारत के अंदर निवेश करना चाहता है क्योंकि उसे लगता है भारत के अंदर सुरक्षा की सबसे अच्छी गारंटी है। दूसरा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत ने जितनी लंबी छलांग विगत 5 वर्ष में लगाई है यह भी बहुत अच्छी दिशा में गया है। तीसरा, जो इंस्पेक्टर राज से मुक्त करने की दिशा में जो सुधारात्मक कदम उठाए हैं, उन सुधारात्मक कदमों के परिणाम आज मिलने प्रारंभ हुए हैं और इस दिशा में दुनिया का हर निवेशक आज के दिन पर भारत को सबसे अच्छा निवेश का गंतव्य मानता है। और मैं मानता हूँ जैसे दुनिया के लिए भारत, वैसे ही देश के लिए उत्तर प्रदेश गंतव्य का सबसे अच्छा निवेश का गंतव्य बना है और यह आप सबके प्रयासों से। मुझे 2 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री के रूप में दायित्व मिला। स्वाभाविक रूप से गोरखपुर में आप सभी अलग अलग व्यापारिक संगठनों के साथ मेरा बैठना लगभग लगभग हर महीने हो जाता था, कहीं आपके साथ इंटरेक्शन होता था, आपसी संवाद कार्यक्रम, शपथ ग्रहण समारोह कोई अन्य कार्यक्रम का होता था, कहीं धरना प्रदर्शन आंदोलन का होता था, क्योंकि सरकारें उस मानसिकता की थी कि उन्हें सुरक्षा से या सुव्यवस्था से कोई मतलब नहीं होता था, इसलिए उस अराजकता के खिलाफ कार्रवाई करने और उसके खिलाफ आंदोलन करने के लिए हम सबको मजबूर होना पड़ता था। और इसीलिए जब मुझे मुख्यमंत्री का दायित्व मिला तो मैंने जो पहले 5 कदम उठाए थे उन 5 कदमों में एक कदम ये भी था, हमने कहा उत्तर प्रदेश का हमारा कोई व्यापारी, कोई चिकित्सक गुंडा टैक्स नहीं देगा और अगर किसी ने गुंडा टैक्स लेने का प्रयास किया तो याद रखना गुंडा टैक्स की कीमत 2 ही जगह होगी, या जेल होगी या राम नाम सत्य है कि यात्रा निकलेगी, तीसरी और कोई जगह नहीं होगी। और आपने देखा होगा बिना संकोच के हमने प्रदेश के अंदर कार्रवाई की है, कार्रवाई कर रहे हैं, आगे और भी सख्त कार्रवाई करने जा रहे हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर व्यापारी सुरक्षित है, बहन बेटियां सुरक्षित हैं, तो फिर प्रदेश की कानून व्यवस्था अपने आप सुरक्षित है, अच्छी है और कानून व्यवस्था की अच्छी स्थिति हर प्रकार के निवेश को अपने यहाँ आने के लिए आमंत्रित कर देती है और आज उसका परिणाम भी दिखाई दे रहा है। आपने देखा होगा विगत 2 वर्ष के दौरान हम लोगों ने 1.5 लाख करोड़ का निवेश तो जमीन पर उतार दिया है और लगभग 5 लाख करोड़ का निवेश हमारे यहाँ वर्तमान में लोगों के द्वारा आवेदन किया गया है, जिसमें लगभग 1 लाख करोड़ से ऊपर का निवेश तो
एकदम पाइपलाइन में है। चुनाव के तत्काल बाद उसका मुझे शिलान्यास करना है, शुभारंभ करना है, और शेष अन्य पाइपलाइन में है। एकदम सारी प्रक्रिया को हम लोगों ने ऑनलाइन व्यवस्था के साथ जोड़ दिया। पिक एंड चूज की व्यवस्था बंद हो, क्यों एक व्यवसायी एक ऑफिस में बार बार जाएगा, वह एक जगह आवेदन करे, सारी कार्रवाई ऑनलाइन हो और उसको जवाब मिलता रहे कि ये कार्रवाई आपकी प्रगति इस स्तर पर है, आपको ये प्रक्रिया करनी है। और आज उसका परिणाम है कि हमें प्रदेश के अंदर 5,00,000 करोड़ से ऊपर का निवेश उत्तर प्रदेश के लिए मिल रहा है, जो उत्तर प्रदेश में निवेश एक सपना होता था। अब दिन देखते होंगे, एक गोरखपुर में ही बड़े अपहरण हुआ करते थे, गोरखपुर तो बदनाम था। मुझे याद है जब मैं पहली बार सांसद आपने चुना और मैं सांसद चुन करके यहाँ से चला गया था, तो गोरखपुर के फर्टिलाइजर कारखाना को आगे चलाने के लिए मैं फर्टिलाइजर मिनिस्टर से मिला था, सरदार सुरजीत सिंह परनाला जी उस समय फर्टिलाइजर मिनिस्टर थे। मैं उनके पास गया, मैंने कहा मैं गोरखपुर से सांसद चुना गया हूँ, वहाँ पर एक कारखाना बंद है, इस कारखाने को चलाना है। तो मुझे देखे, कहा कि आप कहाँ से, मैंने कहा मैं गोरखपुर से, कहा कौन गोरखपुर, मैंने कहा उत्तर प्रदेश गोरखपुर, कहा नहीं मैं तो जानता हूँ गोरखपुर एक उत्तर प्रदेश में, क्या कहीं और जगह भी कोई गोरखपुर है क्या, मैंने कहा ये आप जानते होंगे लेकिन मैं उत्तर प्रदेश गोरखपुर से हूँ। उन्होंने कहा आप गोरखपुर से चुने कैसे गए, मैंने कहा क्या मतलब, उन्होंने कहा साहब मैं 20 साल पहले गोरखपुर में एक चुनावी सभा में गया था और सभा का जैसे भाषण शुरू कर रहा था तब तक वहाँ बमबाजी शुरू हो गई और गोली और बम चलने लग गए, मुझे मंच छोड़ के भागना पड़ा। उसके बाद से 21 वर्ष हो गए मैं दोबारा गोरखपुर नहीं गया, और इसीलिए मैं सोचना चाहता हूँ कैसे आप चुनाव जीत किया गए। मैं देख रहा था कि वास्तव में कितना गलत इम्प्रेशन है गोरखपुर का, परसेप्शन हमारा गोरखपुर का कितना खराब है। आप में से सभी उद्यमी हैं, बड़े व्यवसायी हैं, आप में से तमाम लोग आज देश के अंदर अलग अलग स्थानों पर जाते होंगे, आज कहीं भी आप जाते होंगे 2 वर्ष पहले गोरखपुर की छवि क्या थी, 2 वर्ष के अंदर गोरखपुर और उत्तर प्रदेश की क्या छवि है, देश और दुनिया के अंदर आपने इस अंतर को देखा होगा। और मुझे लगता है अगर आपको अच्छा लगता है कि गोरखपुर की छवि में व्यापक सुधार हुआ है, क्योंकि जिस छवि को आज मैं उत्तर प्रदेश में प्रयोग कर रहा हूँ उस छवि को मैंने गोरखपुर में काफी मेहनत करके यहाँ के व्यापारियों के साथ, यहाँ के उद्यमियों के साथ व्यापक आंदोलन करके विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से उस छवि को गोरखपुर की सुधारने की दिशा में जो प्रयास किए गए, आज उसी छवि को हमने उत्तर प्रदेश में भी लागू किया। और वही परिणाम है कि गोरखपुर से जो कार्य हम लोगों ने एक नजीर बनाकर के प्रारंभ किया, आज उसका परिणाम पूरे देश के अंदर हम सबको देखने को मिल रहा है कि हर दुनिया का निवेशक उत्तर प्रदेश में भी निवेश करना चाहता है। मुझे याद है जब मैं मुख्यमंत्री बना, 6 महीने के बाद हमारे मंत्री, हमारे अधिकारी मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि हम एक इन्वेस्टर समिट करना चाहते हैं। मैंने कहा इन्वेस्टर समिट का नाम क्या होगा, उन्होंने कहा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। मैंने कहा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में कितना निवेश आप कराएंगे, उन्होंने कहा 50,000 करोड़ का। मैंने कहा 50,000 करोड़ का तो मैं गोरखपुर के उद्यमियों से कहूँगा वही लोग कर देंगे, क्यों बेकार ग्लोबल नाम रख रहे हो। मैंने कहा देखो जिस दिन इन्वेस्टर समिट मैं गोरखपुर के लिए ही करूँगा उस दिन मैं उसको गोरखपुर इन्वेस्टर समिट नाम रख दूंगा और 50,000 करोड़ के लिए गोरखपुर में ही खर्च हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का अगर निवेश होना है तो उत्तर प्रदेश की आबादी के अनुरूप यह निवेश होना चाहिए और उसका नाम रखे। तो मैंने पहले नाम बदल दिया, मैंने कहा भी आप 50,000 करोड़ में बेइज्जत कराओगे, अच्छा होगा इसका नाम यूपी इन्वेस्टर समिट रखो। यूपी इन्वेस्टर समिट रखने के बाद फिर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई देखो लोअर लिमिट 2,00,000 करोड़ का है, अपर लिमिट कहाँ तक आप पहुँच सकते हैं इसके प्रयास करिए। तो उन्होंने कहा कुछ रोड शो करेंगे आप चलेंगे, मैंने कहा एक जगह कहीं चलूंगा, मैं मुंबई चला गया। वहाँ तैयारी थी, ऐसे उद्यमी आए थे देश और दुनिया के, उनके साथ पहले मेरा ऐसे कार्यक्रम हुआ, उसके बाद अलग अलग मैं सबसे मिला। अब आश्चर्य करेंगे, जिस भी उद्यमी से मिलता था, जिस भी निवेशक से मैं मिलता था, रतन टाटा हो, मुकेश अंबानी हो, हिंदुजा ब्रदर्स हो, कोई भी हो, जिससे भी मैंने मिला, सब ने कहा कि साहब हम तो कसम खा लिए थे कि यूपी में दोबारा नहीं जाएंगे।
कोई कहता था हमने 5 साल पहले कसम खाई, कोई कहता था हमने 10 साल पहले कसम खाई कि हम यूपी में कतई नहीं जाएंगे। लेकिन 6 महीने के दौरान जो हमें परिवर्तन दिखे हैं, इस परिवर्तन के नाते आज हम चाहते हैं कि हम भी उत्तर प्रदेश में आना चाहते हैं। और उस इन्वेस्टर समिट में, पहले ही इन्वेस्टर समिट में मेरे पास 4,68,000 करोड़ रुपए का निवेश मेरे सामने आया। एक ही यानी एक साल भी हमारी सरकार का नहीं हुआ था और तब 4,68,000 का निवेश के प्रस्ताव हमारे सामने आ गए थे। आज हर एक निवेशक, जब मैंने मुख्यमंत्री का दायित्व निभाया तो मुझे एक दिन पता लगा कि सैमसंग उत्तर प्रदेश में मोबाइल बनाने की फैक्ट्री लगाना चाहता था, आज अब वो जाना चाहता है। मेरे पास आई फाइल तो मैंने कहा सैमसंग के चेयरमैन को बुलाइए। कहा साहब वो यहाँ नहीं, कोरिया में रहते। मैंने कहा कोरिया से उनको बुला दीजिए कि मैंने उनको आमंत्रित किया है। वे आए, मैंने उनसे पूछा कि क्यों आप जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा साहब हम फाइनल डिसीजन कर चुके, हमारा बोर्ड फाइनल डिसीजन ले चुका है और हम यूपी में कार्य नहीं कर पाएंगे क्योंकि पिछली सरकार के समय इतना प्रताड़ित हम लोग हुए हैं कि हम लोग तय कर चुके हैं कि हम फाइनली बाइंडिंग करने का हमारा बोर्ड तय कर चुका है। मैंने कहा भाई हमारी सरकार अभी आई है, अभी एक महीना भी हमारी सरकार को नहीं हुआ है, अगर आप जाएंगे मैसेज क्या होगा। उन्होंने कहा साहब अब हम क्या करें, हमारा बोर्ड इसको तय कर चुका है। मैंने कहा आप एक बार फिर से विचार, मेरे अनुरोध पर आप एक बार फिर से विचार करें, उत्तर प्रदेश में आप निवेश करिए और पॉलिसी के अंतर्गत जो भी प्रावधान होंगे प्रदेश सरकार आपको सहयोग करेगी। उन्होंने कहा ठीक साहब एक सप्ताह का समय दीजिए। मैंने कहा नहीं, एक सप्ताह का समय नहीं दे रहा हूं, एक सप्ताह के अंदर आप यहां पर हमारे साथ एमओयू करेंगे और मेरे सामने एमओयू होना है, आप इस बात को तय करके जाइए। तो एक सप्ताह के बाद उन्होंने कहा साहब हम एमओयू करने के लिए आ रहे हैं। मैंने अपने सामने मंत्रियों को बिठाया, अधिकारियों को बिठाया, मैंने कहा एमओयू करो, एक महीने के अंदर इनके फैक्ट्री का शिलान्यास होना चाहिए। और आपको याद होगा कि दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल फोन बनाने की फैक्ट्री सैमसंग ने उत्तर प्रदेश में लगाई है। 3,000 करोड़ का प्रारंभिक निवेश था, 5,000 करोड़ रुपए का निवेश कर चुके हैं और फैक्ट्री के उद्घाटन में उन्होंने किसको बुलाया, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को और कोरिया के राष्ट्रपति को बुलाया। ऐसे ही टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, वो यहां से भाग रहे थे, टीसीएस यहां से जा रहा था, तो मेरे लिए दूसरा झटका था उस समय। मैंने उनसे प्रयास किया, यहां के अधिकारियों को बुलाया, मैंने कहा क्यों आप जा रहे हैं। कहा साहब यहां माहौल नहीं है काम करने का। मैं एक दिन सड़क से जा रहा था, मैंने देखा कि लगभग 1,500-2,000 लोग कैंडल मार्च निकाल रहे थे। मैंने कहा भी कैंडल मार्च क्यों है, मुझे बताया गया टीसीएस बंद हो गया है और टीसीएस बंद हो रहा है उससे जो वर्कर हैं ये लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। तो मैंने सीधे श्री रतन टाटा को फोन किया, मैंने कहा भी आपका टीसीएस लखनऊ में है, 2,500 कर्मचारी यहाँ कार्य करते हैं और हमारे आने के अभी 2 महीने भी नहीं हुए हैं, अगर आपका टीसीएस बंद होगा तो मैसेज जाएगा कि हमारी सरकार के कारण बंद हो गया। कहानी साहब हम तो पहले इसको वाइंड अप करने का निर्णय ले चुके थे। मैंने कहा भी सरकार आज हमारी है। उन्होंने तत्काल टाटा ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं श्री चंद्रशेखर को भेजा मेरे पास और आए हो, उनसे मेरी बातचीत हुई। मैंने उन्होंने कहा क्या करें, मैंने कहा भी टीसीएस लखनऊ बंद नहीं होगा और दूसरा मैं चाहता हूं टाटा यहां पर और भी निवेश करे। आप आश्चर्य करेंगे, टीसीएस लखनऊ, लखनऊ में 2,500 कर्मचारी वहां काम आज भी कर रहे हैं और उनका 30,000 करोड़ रुपए का नया निवेश यूपी में हो रहा है जिसमें 25,000 कर्मचारी कार्य करेंगे, यह भी एक नया निवेश उन्होंने यूपी के अंदर प्रारंभ किया। आज उत्तर प्रदेश के अंदर व्यापक परिवर्तन और मुझे लगता है कि व्यापक जो निवेश के लिए माहौल बनाने की प्राथमिक पाठशाला मैंने कहीं सीखी है तो गोरखपुर के व्यापारियों के बीच में, यहाँ के उद्यमियों के बीच में सीखी है। क्योंकि व्यापारी की समस्या क्या है और उस समस्या का समाधान कैसे हो सकता है, मैं लगातार पिछले 20 वर्षों से आपके बीच में आता रहा हूं। कोई ऐसा संगठन नहीं, व्यापारिक संगठन नहीं या उद्यमी संगठन नहीं जिसके साथ मैं बैठक न किया हूं, जिनके कार्यक्रमों में मेरी सहभागिता न रही हो। और इसीलिए मैं इस बारे में चाहता था कि एक बार आपके साथ सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक करके
मैं आपसे अपील करूं, खासतौर पर जैसे यहाँ पर उत्तर प्रदेश के व्यापारियों की समस्या का समाधान करने के लिए, एक तो मैंने हर जिले को इस बारे में स्पष्ट निर्देश दिया कि भाई देखो, आपको महीने में एक बार उद्यमी और व्यापारियों के साथ बैठना ही बैठना है, इसका समाधान, उनकी समस्याओं का तात्कालिक समाधान होना है, जो नहीं हो सकता उसको आप शासन में भेजिए, उसकी एक प्रति मुख्यमंत्री कार्यालय को भेज दीजिए। दूसरा, हमने अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया है और व्यापारी कल्याण बोर्ड के उद्देश्य भी स्पष्ट है कि उद्यमी और व्यापारियों से जुड़ी हुई समस्या का इनके स्तर पर समाधान हो, हर जिले में जाकर के समस्या का समाधान उत्तर प्रदेश के अंदर ही जिले स्तर पर ही हो जाए, और जो जिले स्तर पर नहीं हो सकता है उसको लखनऊ में ला करके उसका समाधान एक समय सीमा के अंदर हो। हर हाल में इंस्पेक्टर राज से मुक्ति के लिए जो कदम प्रधानमंत्री मोदी जी ने उठाए हैं, उन सुधारात्मक कदमों का लाभ व्यापारी को मिले, उद्यमी को मिले, यह हमें लागू करना है और व्यापारी कल्याण बोर्ड इसी विषय में यहां लागू किया। तीसरा, व्यापारी कल्याण बोर्ड में जो बीमा की राशि 5 लाख थी, हमने कहा भी 5 लाख बहुत कम है, इसको बढ़ा के 10 लाख की मांग बहुत दिनों से चल रही थी, हम लोग इसको बहुत पहले यहाँ लागू कर चुके हैं, हम इसको यहाँ पे लागू कर चुके हैं। और भाइयों बहनों, मैं आप सबको इस बारे में कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश में आज के दिन पर कोई भी व्यापारी कहीं भी गुंडा टैक्स नहीं देता है और गुंडा टैक्स देना भी नहीं चाहिए। हमने तो गोरखपुर में आज से 15-20 साल पहले इसका विरोध किया था और व्यापक आंदोलन किया था, आपने देखा होगा इसी गोल घर के सरप में, प्रमोद जी उस समय व्यापार मंडल के अध्यक्ष थे, सत्यप्रकाश सिंह मुन्ना जी थे, ये सब लोग आंदोलन में थे सहभागी, जब यहाँ पर गुंडों को दौड़ा दौड़ा करके गोल घर की सड़कों पर ही व्यापारियों के द्वारा मेरे सामने ही मारा गया था, पीटा गया था, उनकी गाड़ियां यहाँ पर तोड़ करके भगा दी गई थी, तब से यहाँ पे गुंडे हुए गायब। जब बलदेव प्लाजा में एक टेलर, मुस्लिम टेलर के घर के वहां भी जाकर के फायर किया था, फिर एक दो जगह फायर किया था शमशीर टेलर, यानी तब से लेकर के आपने देखा होगा ये आंदोलन सड़कों पर लड़ करके गोरखपुर के उद्यमियों ने जब अन्याय का प्रतिकार करना सीखा, उसका परिणाम था कि गोरखपुर पहला शहर यूपी का था जहां गुंडा टैक्स गोरखपुर का कोई व्यापारी नहीं दिया, और मैं समझता हूं कि आज उत्तर प्रदेश का कोई व्यापारी नहीं जो एकदम किसी गुंडे से भयभीत होता हो, हर व्यक्ति अपने को बिल्कुल सुरक्षित महसूस करता है। मुझे याद है कि जितने उद्यमी थे, व्यापारी थे, केराना से, कांदला से पलायन कर चुके थे, और पहले दिन जैसे मैं आया पता लगा एक उद्यमी को 5 लाख की उससे फिरौती मांगी गई है, वहां पर मैंने बुलाया, वो बेचारा बड़ा भयभीत था, मैंने कहा क्या हो गया, कहा कि मुझसे पैसा मांगा जा रहा है, मैंने कहा तो, कहा कि मेरे सामने दो ही रास्ते हैं, या तो मैं अपना पूरा व्यवसाय बंद करके वहां से छोड़ दूं, और या फिर मेरे सामने दूसरा रास्ता होगा कि मैं पैसा दे दूं, और नहीं देता हूं तो तीसरा मेरे सामने है कि मैं गोली खाऊं। मैंने कहा आपको गोली नहीं खानी पड़ेगी, आप वहां जाइए, वो आपको गाली देता, आप गाली का जवाब गाली में दे दीजिए, जो जिस भाषा में आपको बोल रहा है उस भाषा में उसका जवाब दे दीजिए, और कह दीजिए कोई गुंडा टैक्स नहीं देंगे। और मैंने कहा 24 घंटे के अंदर आपके सामने परिणाम नहीं आएंगे तो आप मुझसे पूछ लेना, मैंने कहा ये मेरा नंबर है, आप मेरे नंबर पर सीधे मुझे संपर्क में रहेंगे। और मैंने अधिकारियों को उसी दिन कहा था, मैंने कहा जो ये गुंडा पैसा मांग रहा है इसको 5 लाख रुपये मत देना, ऐसी 5 गोलियां देना कि आजीवन इसको इस बात का इसको एहसास हो कि किसी निर्दोष व्यक्ति पे गोली चलाने की क्या कीमत होती है। भाइयों बहनों, आज आप देखेंगे, आपने बयान पढ़े होंगे समाचार पत्रों में कि आज केराना और कांधला का हर व्यापारी जो 5 साल पहले 3 साल पहले 10 साल पहले वहाँ छोड़ चुका था, वह वापस वहाँ आ चुका है, अपना व्यापार कर रहा है, और जितने गुंडे थे वे वहाँ से पलायन कर चुके हैं, या फिर या तो उत्तर प्रदेश छोड़ चुके हैं, या देश छोड़ चुके हैं, या फिर इस धरती को छोड़ चुके हैं, मुझे लगता है इसके अलावा उनके लिए कोई किसी जगह नहीं है। यह एक व्यापक परिवर्तन उत्तर प्रदेश के अंदर करने का जो कार्य प्रारंभ हुआ उसके परिणाम सामने भी है, और हम लोगों ने हर एक क्षेत्र में कार्य भी प्रारंभ किया। उत्तर प्रदेश की परंपरागत उत्पाद को उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने अपनी परंपरागत उत्पाद को भी प्रमोट करने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की एक अभिनव योजना प्रारंभ की। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना का मतलब, यानी हमारा परंपरागत उद्यमी कम जगह में कम पूंजी में ज्यादा रोजगार
और राजा ज्यादा रोजगार के साथ साथ स्वावलंबन, आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर भी होना। और यह कार्य किसी भी स्थिति में हम लोग रुकने नहीं देंगे इस कार्य को करते हुए। मैंने स्वयं बजट में इसके लिए धनराशि की व्यवस्था की और उसको प्रमोट करने के लिए कैसे हम इसकी मैपिंग करें, इसकी मार्केटिंग, इसकी ब्रांडिंग करने के लिए और देश और दुनिया के अंदर जहां कहीं भी हमें लगा कि यहाँ की परंपरागत उत्पाद को एक मार्केट मिलना चाहिए, उसकी एक ब्रांडिंग होनी चाहिए, हमने पूरी छूट दी और वहां पर अपने उद्यमियों को भेजने की व्यवस्था की, जर्मनी में भेजने की, बेल्जियम में भेजने की, अन्य जगह जहां जहां जो हो सकता था हर एक जगह देश के अंदर भी जहां भी एग्जीबिशन होते हैं मैं कहता हूं उत्तर प्रदेश से भी लोगों को भेजो, आने जाने रहने का सारी खर्चा सरकार करेगी, वह जाए अपने उत्पाद का वहां प्रदर्शन करे और अगर उसको उसमें भी छूट चाहिए तो हमारी सरकार उसमें भी छूट देगी जिससे उसके माल की बिक्री हो सके और वह सम्मानजनक ढंग से आगे बढ़ सके। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की इस योजना ने 5 लाख से अधिक नए उद्यमियों को रोजगार का एक अवसर प्रदान किया है। एक नई दिशा में उत्तर प्रदेश आज बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इसलिए आज इस अवसर पर मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। हम ग्राम पंचायत का या नगर पंचायत का चुनाव नहीं कर रहे हैं, देश का चुनाव कर रहे हैं और देश के चुनाव का मतलब देश के अंदर सुरक्षा का वातावरण कौन दे सकता है, देश के अंदर निवेश का अवसर कौन दे सकता है, देश के अंदर अनुकूल सुरक्षा का वातावरण कौन बना सकता है और दुनिया के अंदर भारत की एक अच्छी छवि को कौन प्रस्तुत कर सकता है। और 5 वर्ष में आप सबको एहसास हुआ होगा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यह कार्य 5 वर्ष में हुआ है, बहुत अच्छे स्तर पर हुआ है। आज वैश्विक स्तर पर भारत का सम्मान, योग की परंपरा को वैश्विक मान्यता मिलना, कुंभ की परंपरा को यूनेस्को के द्वारा मानवता के मूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता देना और अभी आपने देखा होगा जिस भारत को 1947 से लेकर के अब तक आपने कोई भी घटना देखी होगी हर एक मामले में केवल रूस भारत के साथ खड़ा रहता था, पूरी दुनिया भारत के खिलाफ खड़ी रहती थी, पाकिस्तान के साथ खड़ा रहता था। आज आपने देखा होगा कि मोदी जी के आने के बाद पाकिस्तान के साथ केवल चीन खड़ा होता था और शेष पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी होती दिखाई देती थी और अजहर मसूद जैसे आतंकवादी के मुद्दे में तो चीन को भी पीछे हटना पड़ा, पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया, दुनिया में मुंह दिखाने लायक नहीं बचा है। ये यशस्वी नेतृत्व जिस देश में हो, जहां पर सरकार की सारी कार्रवाई में एक पारदर्शिता लाने का कार्य किया गया, जहां पर आपने 5 वर्ष में देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोई भी छुट्टी अपने लिए नहीं ली, कभी नहीं ली, 24 घंटे 365 दिन पूरे वर्ष भर 5 वर्ष उन्होंने उसी मेहनत के साथ कार्य किया, इसका परिणाम है कि दुनिया के अंदर भारत की साख जमी है और जब देश की साख जमती है तो देश के उद्यमियों, देश के व्यापारियों और देश के निवेशकों की छाप भी दुनिया के अंदर उसी रूप में होती है कि दुनिया के एक ऐसे देश के नागरिक हैं जो सम्मान भी प्राप्त करता है, स्वावलंबी भी है और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर भी है। यह एक छाप स्पष्ट होती है या दुनिया अगर यहां निवेश करने के लिए आना चाहती है, क्यों दुनिया के अंदर आज सबसे सुरक्षित और गंतव्य निवेश का भारत बना है, क्योंकि मोदी जी ने 5 वर्ष में उस प्रकार के सुधारात्मक कदम देश के अंदर उठाए हैं, उस प्रकार की पारदर्शी और ईमानदारी व्यवस्था चलाई है और यह जिम्मेदारी हम सब की बनती है जो कार्य मोदी जी ने किया है उस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब मिलकर के भारत की इस यशस्वी परंपरा को आगे बढ़ाने की कार्रवाई में हम सब अपना योगदान दें। आप में से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसके पास 500 से लेकर के 500 तक 1000 तक स्वयं अपने कर्मचारी या अपने आसपास से जुड़े हुए लोग न हो और इसलिए आपकी एक बड़ी भूमिका इसमें हो सकती है। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका क्या, सबसे पहला कार्य अनिवार्य रूप से मतदान, याद रखना छुट्टी का दिन है तो छुट्टी के दिन का मतलब ये नहीं होता है कि हम छुट्टी मनाने के लिए चले जाएं। सबसे पहला काम अनिवार्य मतदान, सारे कार्य छोड़ेंगे, कोई हमारा मित्र, कोई शुभचिंतक, कोई व्यापारी, कोई उद्यमी बाहर भी गया है तो भी बुलाएंगे, अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करो क्योंकि हमें देश के अंदर एक सुरक्षा और समृद्धि देने वाली सरकार देनी है। अनिवार्य मतदान, हर व्यक्ति मतदान करेगा,
जिसका नाम मतदाता सूची में है वे अनिवार्य रूप से मतदान करने के लिए अपनी तैयारी करें। ये चिंता मत करें कितनी दूर है, 1 किलोमीटर दूर होगा, मॉर्निंग वॉक पे मत जाइए, पोलिंग बूथ पर आप मॉर्निंग वॉक करते हुए जाइए। लोगों को बताइए मॉर्निंग वॉक आज पोलिंग बूथ तक होगा, जाएंगे मतदान करके फिर वापस आएंगे, फिर उसके बाद अपना सारा कार्य करेंगे। और लोगों का आपके पास स्मार्टफोन होगा, आपके पास लैंडलाइन का फोन होगा, उसका उपयोग करिए, लोगों से पूछिए, हर एक अपने साथ के लोगों से पूछिए, अपने कर्मचारियों से पूछिए, अपने सहयोगियों से पूछिए, अपने नातेदार रिश्तेदारों से पूछिए, एक एक फोन सब मेरे नाम पर करेंगे कि भाई ये बताओ आपने वोट डाला कि नहीं डाला। और मैं जानना चाहता हूं उस दिन मुझे किसी को फोन करने की नौबत ना पड़े जवाहर कसोदन को छोड़ करके, क्योंकि मैं जानता हूं सुधरेगा नहीं, उनको छोड़ करके बाकी सभी लोगों को किसी को मुझे फोन नहीं करना पड़ेगा। और आप में से हर व्यक्ति अपने आस पास अगल बगल मित्रगण शुभचिंतकगण कर्मचारी होंगे, आपके साथ के अन्य लोग होंगे, उनको फोन करके फोन पे पहले से नंबर नोट करके रखिए। और मतदान करने के आने के बाद कि भैया मतदान किया, अरे जाओ भाई क्यों अपने लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हो, ये एक जिम्मेदारी का एहसास। यहां पर पीपीगंज से पिपराइस से सैजनवा से भी आए हैं और भी जगह से लोग आए हैं, वे सभी उद्यमी इस कार्य को करें, बहुत बड़ा चमत्कार होगा देश के लिए, लोकतंत्र के लिए। हमारे हम अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे कि भैया पहला काम मतदान, मतदान किए पहला प्रश्न, और मतदान किए हैं धन्यवाद दीजिए, नहीं किया है तो फिर उसको बोलिए क्यों भाई लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हो, अपनी ताकत को क्यों कमजोर कर रहे हो, जाओ पहले मतदान करके आओ और मतदान करने के बाद फिर बताओ कि मैंने मतदान कर लिया है, सबसे पहला काम ये। और फिर सही निर्णय, मतदान केंद्र में जाएं, उलझन समाप्त कर दीजिए। इस देश को कौन सुरक्षा दे सकता है, देश को कौन समृद्धि दे सकता है, देश में इंस्पेक्टर राज से मुक्ति कौन दे सकता है, देश में ईमानदार और पारदर्शी व्यवस्था कौन दे सकता है। एक बार विचार करते हुए, पहले घर में विचार करते हुए और फिर जाकर के पूरी आत्मीयता के साथ पूरी तन्मयता के साथ बटन दबा करके इस देश को सशक्त और समर्थ बनाने में आप भी अपना योगदान दें, क्योंकि अपनी पूंजी से तो आप देते हैं लेकिन अपनी वोट की ताकत से भी दे दीजिए, क्योंकि आपकी पूंजी जब लगती है तब बहुत सारे लोगों के घरों में चूल्हा जलता है, आपकी पूंजी जब मार्केट में आती है तब बहुत सारे लोगों के चेहरे पर चमक आती है, और मुझे लगता है कि उसमें आपको मेहनत करनी पड़ती है, उसमें सब कुछ आपको अपने स्तर पर रिस्क लेना पड़ता है। यहाँ तो बिना रिस्क लिए हुए अपने दायित्व का निर्वहन करने के लिए लोगों को प्रेरित करना है, और मैं आपसे यही अपील करने के लिए आया हूं। आप में से हर व्यक्ति जानता है कि जिस ईमानदारी और जिस निष्ठा के साथ मोदी जी ने 5 वर्ष तक देश की सेवा की है, मुझे लगता है आजादी के बाद आप परत दर परत उठा करके जाइए, देखते जाइए। जिस व्यक्ति ने कभी अपने लिए कोई छुट्टी नहीं ली, जिसका अपना कोई परिवार नहीं, कोई नातेदार नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, लोग पूछते हैं कौन है, और व्यक्ति कहता भारत की 130 करोड़ की आबादी मेरा परिवार है, यही मेरे नातेदार है, यही मेरे रिश्तेदार है, यही मेरा घर है, यही मेरा परिवार है। जो व्यक्ति 15 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहा हो, जो व्यक्ति 5 वर्षों तक प्रधानमंत्री रहा हो, आप आश्चर्य करेंगे, प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी कुंभ के आयोजन में आए थे कि आपूर्ति के लिए मेरे साथ सड़कों पर हर वर्ष आंदोलन न करता रहा हो, हर वर्ष आंदोलन करते थे, आज तो बिजली का संकट नहीं, आज तो इस समस्या का समाधान, आज तो गोरखपुर में एक एक करके उन सभी समस्याओं का समाधान, कनेक्टिविटी की समस्या का समाधान, एसके अग्रवाल जी ने आपके सामने अपने उद्बोधन में कहा ही, हर एक समस्या का समाधान करने का कार्य। आपको मैं एक उदाहरण बताता हूं, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का लिंक हम गोरखपुर को दे रहे हैं और उसके दोनों तरफ औद्योगिक गलियारा बनाने जा रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का टेंडर समाजवादी पार्टी ने
दिसंबर 2016 में पूरा कर दिया था। 341 की 340 किलोमीटर लंबा और 110 मीटर चौड़ा टेंडर हुआ था 15,200 करोड़ रुपए में। जब मार्च 2017 में मैं मुख्यमंत्री बना तो मैंने मई में समीक्षा करते हुए पूछा, मैंने कभी क्या प्रोग्रेस है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की, तो अधिकारी को जवाब नहीं दिए। मैंने बुलाया पूरी, मैंने प्रेजेंटेशन मांगा तो मुझे बताया गया कि साहब अभी तो जमीन ही नहीं ली गई है। तो मैंने कभी जब जमीन नहीं ली है इतने बड़े प्रोजेक्ट में तो 90-80% जमीन चाहिए और फिर कैसे हो गया। सब मौन थे, सबने कहा साहब सत्ताधारी दल जबरदस्ती कर दिया कोई क्या कर सकता है। मैंने टेंडर कैंसिल किया, मैंने कहा जमीन खरीदना शुरू करो। हमने मार्च 2018 में 96% जमीन ली और 96% जमीन जब ले ली उसके बाद टेंडर निकाला। पहले 340 किलोमीटर लंबा और 110 मीटर चौड़ा था, हमने 341 किलोमीटर लंबा और 120 मीटर चौड़ा उसको रखा, यानी लंबाई भी ज्यादा और चौड़ाई भी ज्यादा रखी। उनके समय में टेंडर हुआ था 15,200 करोड़ का और मेरे समय में कितना हुआ 11,800 करोड़ का। 3,200 करोड़ रुपए कहां जा रहा था। ये लोग ईमानदारी का तमका लेकर के आते हैं आपके पास, पूछा कभी आप लोगों ने। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से कि भैया ये तो बताओ ये 3,400 करोड़ में किसकी जेब में जा रहा था, ये पूछा जाना चाहिए। ये पैसा किसी का नहीं है, प्रदेश की जनता का पैसा है, आपका पैसा है। आपके पैसे में कैसे कैसे लोग डकैती डालते थे। एक्साइज उत्तर प्रदेश के अंदर जब हम लोग आए थे तो पता लगा कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने 2 साल का ठेका दे दिया, यद्यपि अनैतिक था। हमने कहा चलिए जो हो गया अभी चलने दो, लेकिन हमने कार्यरूप और एक आगे आगामी कार्य योजना तैयार की। हमने कहा इस साल उन्होंने क्या अगले साल से हम लोग करेंगे पारदर्शी व्यवस्था देंगे। मैंने एक बात कही, मैंने कहा भी देखो किसी भी नेशनल हाईवे पर स्टेट हाईवे पर किसी भी धर्म स्थल पर मंदिर हो मस्जिद हो गुरुद्वारा हो चर्च हो यहाँ इसके आसपास कहीं कोई शराब की दुकान नहीं होगी, किसी मार्केट में नहीं होगी, चिकित्सालय के पास नहीं होगी, शिक्षण संस्थानों के आसपास नहीं होगी और उसके बाद आप इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। समाजवादी पार्टी की सरकार में अंतिम वर्ष में उनका कुल एक्साइज की ड्यूटी आई थी 13,000 करोड़ और हमारी सरकार में कितना आ रहा है 32,000 करोड़। कोई अंतर भी है, कोई पूछेगा इन ईमानदारों से ये पैसा कहां से निकलता है, आज कहां से आ रहा है। इसका मतलब प्रदेश के इन पैसों में ये लोग डकैती डालते थे, अपने घर बेचते, अपना घर बनाते थे, प्रदेश की जनता बिजली से वंचित रहती थी। आज हम बिजली दे रहे हैं, ये बिजली केवल गोरखपुर को ही नहीं मिल रही है, पूरे प्रदेश को हम दे रहे हैं, पूरे प्रदेश के 75 जनपदों को हम बिजली दे रहे हैं। सपा बसपा की सरकार के समय क्यों नहीं मिल पाती थी, अभी प्रश्न किया आपने। पिछले 2 सालों में प्रदेश में कोई दंगा हुआ है क्या, किसी पर्व और त्योहार में, कोई भी पर्व त्योहार हो, हिंदुओं का हो, मुसलमानों का हो, सिखों का हो, बौद्धों का हो, जैनियों का हो, किसी का भी हो, किसी पर्व और त्योहार में आपने कहीं दंगा फसाद उपद्रव कुछ देखा सुना। आप देख रहे होंगे 6 चरणों के चुनाव संपन्न हो गए, आज 6 चरणों के चुनाव संपन्न हुए हैं। बंगाल में रोज हिंसा हो रही है, रोज मारकाट हो रही है। उत्तर प्रदेश तो देश का सबसे बड़ा राज्य है, बंगाल से दुगनी सीटें हमारे पास हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी चरण में कोई दंगा हुआ है क्या, कोई मारपीट हुई है, कोई आगजनी हुई है, कोई हत्या हुई है, एक भी नहीं हुई है। ये जो परिवर्तन है ये परिवर्तन बताना चाहिए। इन लोगों ने सत्ता को अपनी बकौती बना दी थी और सत्ता को लूट खसोड़ का साधन बना करके शोषण का एक माध्यम बना दिया था। किसी को सुविधा नहीं देना, बुनियादी सुविधाओं से जनता को परेशान रखो, व्यापारियों का शोषण करो, इंस्पेक्टर राज के माध्यम से व्यापक तबाही मचाओ, गुंडों को खुली छूट दो। हमने कहा हम गुंडों को भी छूट नहीं देंगे,
इंस्पेक्टर राज कोई प्रदेश में पनपने नहीं देंगे। प्रदेश की समृद्धि और विकास के लिए जो भी कार्य करेगा उसको सम्मानित करेंगे और व्यापारी कल्याण बोर्ड उसी दिशा में किया गया एक प्रयास है। इसलिए भाइयों बहनों आप सबके जिम्मेदारी बनती है, मोदी जी ने जो व्यापक परिवर्तन देश के अंदर दिया है उस व्यापक परिवर्तन में हम सब की भी तो कोई जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी का एहसास कराने के लिए मैं आया हूं कि चुनाव के दिन मैं गोरखपुर में ही रहूंगा लेकिन मुझे किसी को फोन करने के नौबत ना आने पाए, ये जिम्मेदारी मेरी तरफ से आप लोग उठा लीजिए। हर व्यक्ति पहले से तय करें 100, 150, 200 लोगों के नाम, अपना, अपने परिवार का, अपने शुभचिंतकों का, अपने मित्रों का, अपने कर्मचारियों का, अपने आसपास पड़ोस का, सबका कम से कम 100 फोन। चुनाव मतदान आए घर या सुबह 5 बजे उठे पहले ये काम करो। एक व्यापारी सुबह सुबह फोन करेगा तो मुझे लगता है कि हर एक के घर में भी समृद्धि आ जाएगी। और सबसे पहला काम, भैया मतदान होना है, तैयार हो जाओ, जल्दी चलो। और मैं चाहता हूं कि गोरखपुर का मतदान 20% नहीं, गोरखपुर का मतदान 70% तक पहुंचना चाहिए। इसकी तैयारी करिए, गोरखपुर हर एक व्यक्ति मतदान करने के लिए जाएगा, अपने मताधिकार का प्रयोग करेगा, अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करेगा, इस एहसास को हमें कराना होगा। और इसी के लिए आज मैं आपके बीच में पहुंचा हूं, आपके बीच आया हूं। आप सब आज से इसकी तैयारी में करें, व्यापक पैमाने पर इस कार्यक्रम को करें। 16 मई को हम लोग सायंकाल एक व्यापक रोड शो भी गोरखपुर में निकालेंगे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी भी उस कार्यक्रम में आएंगे और उस रोड शो के माध्यम से आप सबसे अपील भी करेंगे। और मैं चाहूंगा कि व्यापारिक संगठन भी अलग अलग स्थानों पर उस रोड शो में सहभागी बने, उस कार्यक्रम को सहभागी बना करके देश के अंदर कमल चुनाव चिन्ह पर जाने वाला एक एक वोट मोदी जी को जाएगा, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएगा और मोदी जी को दुनिया के अंदर एक बार भारत का सम्मान बढ़ा करके भारत की 130 करोड़ की आबादी के गौरव को पुनः स्थापित कराने के लिए मोदी जी ने जो प्रयास किए हैं, हम वोट के माध्यम से मोदी जी का अभिनंदन करें। यही बात अपील आप सबसे मुझे करनी थी। आप सबको मैं एक बार पुनः हृदय से धन्यवाद देता हूं। जय हिंद।